मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आज हम फैट सिमुलेशन को यूज़ करते हुए चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। मेरे पास जो डैशबोर्ड खुला हुआ है उस पर अगर आप देखें तो आपको एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नज़र आ रहा होगा, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज नज़र आ रहा होगा। सेंसर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेयर करेगा और उसकी डायरेक्शन को मेयर करेगा। इसी तरीके से राइट साइड पर हमारे पास वोल्टेज मोनिटरिंग का एक टूल है, हमारे पास लेंथ मीटरिंग के लिए कुछ टूल्स दिए हुए हैं और साथ साथ हमारे पास डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं। अच्छा, आपने जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया तो आपने देखा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं वो इससे बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को जब हमने प्लेस किया यहाँ पर तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। अच्छा, अगर आप पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज को प्लेस करें तो फिर भी ऐसा ही होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो नेगेटिव चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस उसके अंदर की तरफ आ रही हैं, उसकी तरफ आ रही हैं, टुवर्ड्स चार्ज आ रही हैं, जबकि पॉजिटिव में क्या था, अवे देन चार्ज जो है वो मूव कर रही थी। तो एक चीज़ आपने ये देखी कि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में वो उल्टी होती है। हम दोबारा आते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पास जो है वो गहरी नज़र आएगी, ज़्यादा इंटेंसिटी की नज़र आएगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। अच्छा, इसको मेयर कैसे कर सकते हैं? मेयर करने के लिए हमारे पास एक सेंसर है, ये मैंने सेंसर रखा। ठीक है जी, इसकी वैल्यूज़ जो हैं, इसकी दो वैल्यूज़ हैं। एक तो ये आपको एंगल देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देगा। इस वक्त हम -55 पर हैं, अगर आप देखें तो ज़ीरो एंगल अगर ये है तो ये -55 ही बनता है, यानी नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस में है। ठीक, और दूसरा जो है ये आपको वोल्ट पर मीटर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो वो 15.7 वोल्ट पर मीटर है। अब जैसे जैसे मैं इसे दूर जाऊँगा तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होती जा रही है, 4.49 वोल्ट्स पर मीटर अब रह गए हैं। ठीक है जी, मैं और चला जाऊंगा 2.1.48 और यहाँ पर 1 से भी नीचे आ गई। और जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाऊंगा, चार्ज के पास जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए 51.1 वोल्ट्स पर मीटर जो है इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है। तो 51.1 काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती है चार्जेस के पास और वीक होती है अगर हम चार्जेस से दूर चले जाएं। ठीक है जी, अच्छा अब मैं ये करता हूँ, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर इस सिमुलेशन में थोड़ा सा मुझे बग नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सिमुलेशन जो है इस वक्त मैं इसको रीसेट करता हूँ और मैं इसकी वोल्टेजेस जो है वो, अच्छा ये वोल्टेजेस जो है इसकी यहाँ पर शो हो रही है। बहरहाल हम इसी तरीके से इसको लेके चलते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि मुझे इसके पास, इस टेस्ट चार्ज के पास इक्विपोटेंशियल सर्कल जो हैं वो कैसे मिलेंगे। ठीक है जी, इक्विपोटेंशियल सर्कल क्या होते हैं मैं ड्रॉ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर आपको वोल्टेज जो है वो एक जैसी मिलेगी। ये वोल्टेज जो है, वोल्टेज डिफरेंस जो है इस सर्कल पर आपको इस चार्ज की वजह से एक जैसा मिलेगा। अगर मैं इसके करीब आके करता हूँ तो देखें यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर इस सर्कल पर आपको अगर आप वोल्टेज में ये करेंगे तो आपको 12.6 वोल्ट्स मिलेंगे, पर जैसे आप इससे दूर जाएंगे तो वोल्टेज कम होती जाएगी और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 4.6 वोल्ट्स। तो ये इक्विपोटेंशियल सर्कल्स होते हैं एक चार्ज के गर्द, वो सर्कल्स या वो जगहें जहाँ पर आपको एक जैसा पोटेंशियल मिले, यानी एक जैसे वोल्टेज मिले। ज़रूरी नहीं कि ये सर्कल ही हों। अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि जब दूसरा चार्ज आएगा तो ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहेंगे, बल्कि इनकी फॉर्म और जो इनके कंटोर्स हैं या इनकी शक्लें हैं वो बदल जाएंगी। ठीक है,
तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास, हमने दो चीज़ें स्टडी की, एक तो पॉजिटिव जो हमारे पास चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा उससे दूर की बाहर की तरफ जाती है, जबकि नेगेटिव में उसकी तरफ आती है। और दूसरी चीज़ यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उससे दूर कम होती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। वो हमने मेजर की थी इस टूल के साथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो कम होगी, और जैसे जैसे हम पास जाएंगे तो ज़्यादा होगी। और तीसरी चीज़ हमने क्या किया जी, इक्विपोटेंशियल जो है वो जगह ढूंढी, सर्कल्स ढूंढे जहाँ पर पोटेंशियल जो है वो इस चार्ज की वजह से जो डेवलप हो रहा है वोल्टेजेस वो इक्वल होंगी। और इस कंडीशन में जब एक हमने चार्ज प्लेस किया हुआ था तो वो सर्कल। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि अब मैं ग्रिड के साथ दो चार्जेस जो हैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और अब मैं एक चार्ज यहाँ पर रखता हूँ और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो भी यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है जी, अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हमने देखा था कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा बाहर की तरफ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, नेगेटिव में हमेशा इनसाइड आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, तो जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रखा तो हमने देखा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ से इस तरफ जा रही है, यानी पॉजिटिव से शुरू होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। जिस तरह आपने मैग्नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है। तो दो चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बिल्कुल ऐसे बन रही है। अब आप देखें, अब जब इनके पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी, पॉजिटिव के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। अगर आप बीच में आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम होगी, पर आप जैसे जैसे दूसरे चार्ज की तरफ जाएंगे नेगेटिव तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बहुत उसकी वैल्यू जो है वो नज़र आएगी। अगर वैल्यूज़ देख लें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 42.5 वोल्ट्स पर मीटर है, जैसे जैसे हम इसको इस तरफ लेके आएंगे अब ये कम होगी, 3.6 आ गई, 3.6 अब दोबारा बढ़ना शुरू होगी, 6.6 और फिर काफ़ी ज़्यादा 134, 68, 80 वोल्ट्स पर मीटर जो है वो आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के पास बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ में होती है, और उस चार्जेस से हटकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है, और जो जो मैं और ज़्यादा दूर जाता जाऊँगा इस तरफ को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ही कम हो जाएगी। और इसकी डायरेक्शन जो है आप देखें तो वो हमेशा आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, -57 इसलिए कि देखें अगर मैं यहाँ पर इसको ले आऊँगा तो ये तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा, ये देखें 0 डिग्री तकरीबन, तो ये आपका एक्स एक्सिस है। अब इससे नीचे जाएंगे तो माइनस की तरफ एंगल जाएगा, और अगर इससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल जाएगा। तो अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ ये देखें, ये 10, ये 23 डिग्री, ये 45 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको 107 वोल्ट पर मीटर नज़र आ रही है, और ये किस डायरेक्शन में है, वो है 65.2 डिग्री। तो डायरेक्शन भी नज़र आ रही है और मैग्नीट्यूड भी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये अब आप देखें इसकी डायरेक्शन जो है और इसका एंगल जो है वो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो चार्जेस में कैसे होती है। मैं एक और चार्ज यहाँ पर रख देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस देखें आप डिफरेंट हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको अब भी अगर आप जाएंगे तो आपको चार्जेस के पास ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर भी ज़्यादा मिलेगी, पर अगर मैं चार्जेस से थोड़ा सा दूर जाऊँगा तो यहाँ पर कम मिलेगी, और फिर इस चार्ज के पास जो है वो ज़्यादा मिलेगी। अगर आप देखें तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट हो रही है, और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और इसमें अंदर की तरफ आ रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ और इसको मैं बीच में ले आऊँ और मैं यहाँ से ले आऊँ, तो अब आप देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह आ रही है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही है। ठीक है जी, और अगर ये एक मूविंग चार्ज हो तो आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता रहेगा, और चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं, ये हम आगे इनकी एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इनके पास, इनको एक मूविंग चार्ज हो
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हर वक्त चेंज कर रहा होगा और उसकी स्ट्रेंथ को भी चेंज कर रहा होगा। अच्छा, हमने ये चीज़ भी पढ़ ली। अब हम आते हैं कि हमारे पास एक जब इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज था तो हमारे पास, अच्छा मैं यहाँ पे ग्रिड भी बना देता हूँ, ठीक है जी, और ये मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और मैं ये करता हूँ कि इस पर अब एक, इस पर एक आपको सर्कल लगा के देखता हूँ, ठीक है जी। इस सर्कल पे वैल्यू जो है वो 19.1 है। अच्छा, दूसरा सर्कल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इस सर्कल पे वैल्यू 8.7 है। तीसरा सर्कल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इस सर्कल पे वैल्यू 6.7 है। चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, और अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ज़ीरो कहाँ पर होगा। ये ज़ीरो, बल्कि इसका आप देख लें कि यहाँ पर जाके वन होगा, ये वन का सर्कल है, ठीक है जी। यहाँ पर 1.3 वोल्ट्स है। तो ये इक्विपोटेंशियल जो है, कॉन्टोर्स हमने इसके गिर्द बना दिए हैं, ठीक है, जो अभी सर्कुलर फॉर्म में है। ये वो शक्लें हैं जो अभी सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है जी। और अब आप देख लें कि 1.3 वोल्ट्स जो है इस चार्ज की वजह से यहाँ पर वोल्टेज जो होगी वो 1.3 वोल्ट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज भी रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, जब नेगेटिव चार्ज रखा, अब हम दोबारा इसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि अब ये कहाँ पर, क्या इसके पोटेंशियल जो है फील्ड में उसमें कोई फ़र्क आया। यहाँ पर 16.1 का सर्कल, यहाँ पर 6.4 का, बहुत कम हुआ। यहाँ पर कितना सर्कल, 3.4 का, और कम हो गया। यहाँ पर 0.86 का, 0.86 का, यानी कि अगर मैं यहाँ पर सर्कल लेता हूँ तो आप देखेंगे कि वो -0.83। यहाँ जब ये चार्ज यहाँ पे नहीं था तो जो वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल रहे थे वो 1.3 मिल रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने दूसरा चार्ज रखा तो ये जो वोल्टेजेस हैं इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से वो देखिए श्रिंक हो गए, इस तरफ को आ गए। अगर मैं इस तरफ को जाऊँगा तो अब क्या होगा, यहाँ पर 0.86 था, यहाँ पर -0.83 और बीच में होगा ज़ीरो। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसकी वजह से नेगेटिव में आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस चार्ज की वजह से है। अगर मैं इसके पास सर्कल बनाना शुरू करूं तो ये देखें, तो अब आपने देखा कि दो सर्कल्स, दो पॉइंट चार्जेस जो हैं, टेस्ट चार्जेस जो हैं, इनका आपने इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स जब दिए, कंटूर्स बनाए, तो वो अब सर्कुलर फॉर्म में नहीं है। अब देखें ये थोड़े से सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, अब थोड़े से टिल्टेड हैं इस तरफ को और इस तरफ को। अगर मैं इनको और पास लाऊंगा तो ये और ज़्यादा टिल्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तो भी मैंने काफ़ी दूर रखे हुए हैं, अगर मैं इनको पास लेके आऊँ, और अब आप देखिएगा कि अब क्या होता है। अब आप इसका सर्कल बनाएं, यहाँ पर कितनी आ रही है, 5.5। अब यहाँ पर सर्कल बनाएं, ये देखें अब सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहेंगे ये, तो अब आपने देखा ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहे। और वोल्टेजेस बड़ी जल्दी, 12 वोल्ट यहाँ पे थे, 5.5 यहाँ पर और यहाँ पे 1.4, फिर नेगेटिव हो गए, यानी ज़ीरो इसका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये दोनों चार्ज जो हैं इनके वोल्टेजेस जो हैं वो कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, और फिर यहाँ पर ये डोमिनेंट चार्ज है, ये -1.14 वोल्ट दे रहे हैं और इस तरीके से -9.7 वोल्ट दे रहे हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये, अब आप देखें तो इक्विपोटेंशियल जो कंटूर्स हैं वो सर्कल नहीं रहे, वो कोई और शेप में आ चुके हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसको मैं फिर रीसेट करता हूँ और मैं दो चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर भी मैं दो चार्जेस रखता हूँ और यहाँ पर मैं एक नेगेटिव चार्ज रखता हूँ।
यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे दूसरा चार्ज और यहाँ पर एक चार्ज। और अब मैं देखता हूँ कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरह की होगी और वो क्या। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी इसको ये देखें जी, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी शक्ल जो है इक्विपोटेंशियल जो कंटूर्स हैं वो कैसे होंगे। तो अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज थे और दो एक नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पर आपके पास ये जो एक सर्कल बनी है, जिस तरह ये दो सेल होते हैं उस तरह की शेप इसकी बनी है। तो यहाँ पर आपके पास 29 वोल्ट्स है, इस पूरे लाइन के ऊपर आपके पास 29 वोल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप मेयर करें। अच्छा, अगर इस लाइन के ऊपर मेयर करेंगे किसी भी जगह, ये जो सर्कल, ये जो आपके पास सर्कल तो नहीं है खैर, ये जो कंटूर आपके पास बना है 12.5 वोल्ट्स, अगर इस कंटूर के ऊपर मेयर करेंगे तो ये 7.35 वोल्ट। फिर आप इस तरफ आ जाएंगे और इस तरफ आकर आप देखें तो आपको यहाँ पर भी वोल्टेजेस जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो हैं, जो शेप्स हैं, ये काफ़ी बदल चुकी हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इफ़ेक्ट जो होता है वो एक चार्ज का किसी भी सिस्टम में हम जब डालते हैं तो उसका इफ़ेक्ट किस तरीके से बदल जाता है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देता है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ जाती है और नेगेटिव चार्ज से दूर जाती है। दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा अवे देन चार्ज जो है वो कम होती है और टुवर्ड्स चार्ज जो है वो ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो इक्वी पोटेंशियल कॉन्टोर्स हैं वो एक अगर चार्ज हो तो कम्प्लीटली सर्कल्स होते हैं, पर जैसे ही चार्जेस हम उस सिस्टम में ऐड करते जाते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि दो जो हमारे पास अगर चार्जेस हों तो वो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नेट की तरह होती है। तो इसके साथ ये हमारी जो आज की सिमुलेशन है, लेक्चर है, ये ख़त्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस देखें आप, डिफरेंट हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको अब भी अगर आप जाएंगे तो आपको चार्जेस के पास ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर भी ज़्यादा मिलेगी, पर अगर मैं चार्जेस से थोड़ा सा दूर जाऊँगा तो यहाँ पे कम मिलेगी और फिर इस चार्ज के पास जो है वो ज़्यादा मिलेगी। अगर आप देखें तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट हो रही है और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और इसमें अंदर की तरफ आ रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊं और इसको मैं बीच में ले आऊं और मैं यहाँ से ले आऊं, तो अब आप देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह आ रही है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही है, ठीक है जी। और अगर ये एक मूविंग चार्ज हो तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता रहेगा और चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं, ये हम आगे इनके एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इनके पास इनको एक मूविंग चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हर वक्त चेंज कर रहा होगा और उसकी स्ट्रेंथ को भी चेंज कर रहा होगा। अच्छा, हमने ये चीज़ भी पढ़ ली। अब हम आते हैं कि हमारे पास एक जब इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज था तो हमारे पास, अच्छा मैं यहाँ पे ग्रिड भी बना देता हूँ, ठीक है जी, और ये मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और मैं ये करता हूँ कि इस पर अब एक, इस पर एक आपको सर्कल लगा के देखता हूँ, ठीक है जी। इस सर्कल पे वैल्यू जो है वो 19.1 है। अच्छा, दूसरा सर्कल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इस सर्कल पे वैल्यू 8.7 है। तीसरा सर्कल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इस सर्कल पे वैल्यू 6.7 है। चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, और अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ज़ीरो कहाँ पर होगा। ये ज़ीरो, बल्कि इसका आप देख लें कि यहाँ पर जाके वन होगा, ये वन का सर्कल है, ठीक है जी।
यहाँ पर 1.3 वोल्ट्स है। तो ये इक्विपोटेंशियल जो है कॉन्टोर्स हमने इसके गिर्द बना दिए हैं, ठीक है, जो अभी सर्कुलर फॉर्म में है। ये वो शक्लें हैं जो अभी सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है जी। और अब आप देख लें कि 1.3 वोल्ट्स जो है इस चार्ज की वजह से यहाँ पर वोल्टेज जो होगी वो 1.3 वोल्ट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज भी रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, जब नेगेटिव चार्ज रखा, अब हम दोबारा इसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या मिलेगी, और फिर इस चार्ज के पास जो है वो ज़्यादा मिलेगी। अगर आप देखें तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट हो रही है और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और इसमें अंदर की तरफ आ रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ और इसको मैं बीच में ले आऊँ और मैं यहाँ से ले आऊँ, तो अब आप देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह आ रही है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही है, ठीक है जी। और अगर ये एक मूविंग चार्ज हो तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता रहेगा और चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं। ये हम आगे इनके एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इनके पास इनको एक मूविंग चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हर वक्त चेंज कर रहा होगा और उसकी स्ट्रेंथ को भी चेंज कर रहा होगा। अच्छा, हमने ये चीज़ भी पढ़ ली। अब हम आते हैं कि हमारे पास एक जब इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज था तो हमारे पास, अच्छा मैं यहाँ पे ग्रिड भी बना देता हूँ, ठीक है जी, और ये मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और मैं ये करता हूँ कि इस पर अब एक, इस पर एक आपको सर्कल लगा के देखता हूँ, ठीक है जी। इस सर्कल पे वैल्यू जो है वो 19.1 है। अच्छा, दूसरा सर्कल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इस सर्कल पे वैल्यू 8.7 है। तीसरा सर्कल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इस सर्कल पे वैल्यू 6.7 है। चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, और अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ज़ीरो कहाँ पर होगा। ये ज़ीरो, बल्कि इसका आप देख लें कि यहाँ पर जाके वन होगा, ये वन का सर्कल है, ठीक है जी। यहाँ पर 1.3 वोल्ट्स है। तो ये इक्विपोटेंशियल जो है कॉन्टोर्स हमने इसके गिर्द बना दिए हैं, ठीक है, जो अभी सर्कुलर फॉर्म में है। ये वो शक्लें हैं जो अभी सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है जी। और अब आप देख लें कि 1.3 वोल्ट्स जो है इस चार्ज की वजह से यहाँ पर वोल्टेज जो होगी वो 1.3 वोल्ट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज भी रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, जब नेगेटिव चार्ज रखा, अब हम दोबारा इसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि अब ये कहाँ पर, क्या इसके पोटेंशियल जो है फील्ड में उसमें कोई फ़र्क आया। यहाँ पर 16.1 का सर्कल, यहाँ पर 6.4 का, बहुत कम हुआ। अगर मैं चार्जेस से थोड़ा सा दूर जाऊंगा तो यहाँ पे कम मिलेगी और फिर इस चार्ज के पास जो है वो ज़्यादा मिलेगी। अगर आप देखें तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट हो रही है और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और इसमें अंदर की तरफ आ रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ और इसको मैं बीच में ले आऊँ और मैं यहाँ से ले आऊँ, तो अब आप देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह आ रही है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही है, ठीक है जी। और अगर ये एक मूविंग चार्ज हो तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता रहेगा और चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं। ये हम आगे इनके एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इनके पास इनको एक मूविंग चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हर वक्त चेंज कर रहा होगा और उसकी स्ट्रेंथ को भी चेंज कर रहा होगा। अच्छा, हमने ये चीज़ भी पढ़ ली। अब हम आते हैं कि हमारे पास एक जब इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज था तो हमारे पास, अच्छा मैं यहाँ पे ग्रिड भी बना देता हूँ, ठीक है जी, और ये मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और मैं ये करता हूँ कि इस पर अब एक, इस पर एक आपको
सर्कल लगा के देखता हूँ, ठीक है जी। इस सर्कल पे वैल्यू जो है वो 19.1 है। अच्छा, दूसरा सर्कल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इस सर्कल पे वैल्यू 8.7 है। तीसरा सर्कल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इस सर्कल पे वैल्यू 6.7 है। चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, और अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ज़ीरो कहाँ पर होगा। ये ज़ीरो, बल्कि इसका आप देख लें कि यहाँ पर जाके वन होगा, ये वन का सर्कल है, ठीक है जी। यहाँ पर 1.3 वोल्ट्स है। तो ये इक्विपोटेंशियल जो है, कॉन्टोर्स हमने इसके गिर्द बना दिए हैं, ठीक है, जो अभी सर्कुलर फॉर्म में है। ये वो शक्लें हैं जो अभी सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है जी। और अब आप देख लें कि 1.3 वोल्ट्स जो है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर वोल्टेज जो होगी वो 1.3 वोल्ट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज भी रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, जब नेगेटिव चार्ज रखा, अब हम दोबारा इसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि अब ये कहाँ पर, क्या इसके पोटेंशियल जो है फील्ड में उसमें कोई फ़र्क आया। यहाँ पर 16.1 का सर्कल, यहाँ पर जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो कम होगी, और जैसे जैसे हम पास जाएंगे तो ज़्यादा होगी। और तीसरी चीज़ हमने क्या किया जी, इक्विपोटेंशियल जो है वो जगह ढूंढी, सर्कल्स ढूंढे जहाँ पर पोटेंशियल जो है वो इस चार्ज की वजह से जो डेवलप हो रहा है वोल्टेजेस वो इक्वल होंगी। और इस कंडीशन में जब एक हमने चार्ज प्लेस किया हुआ था तो वो सर्कल। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि अब मैं ग्रिड के साथ दो चार्जेस जो हैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और अब मैं एक चार्ज यहाँ पर रखता हूँ और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो भी यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है जी। अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमने देखा था कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा बाहर की तरफ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, नेगेटिव में हमेशा इनसाइड आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, ठीक है। तो जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रखा तो हमने देखा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ से इस तरफ जा रही है, यानी पॉजिटिव से शुरू होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। जिस तरह आपने मैग्नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है। तो दो चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बिल्कुल ऐसे बन रही है। अब आप देखें, अब जब इनके पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी, पॉजिटिव के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। अगर आप बीच में आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम होगी, पर आप जैसे जैसे दूसरे चार्ज की तरफ जाएंगे नेगेटिव, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बहुत उसकी वैल्यू जो है वो नज़र आएगी। अगर वैल्यूज़ देख लें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 42.5 वोल्ट्स पर मीटर है। जैसे जैसे हम इसको इस तरफ लेके आएंगे, अब ये कम होगी, 3.6 आ गई, 3.6, अब दोबारा बढ़ना शुरू होगी, 6.6, और फिर काफ़ी ज़्यादा 134, 68, 80 वोल्ट्स पर मीटर जो है वो आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के पास बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ में होती है, और उस चार्जेस से हटकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। और जो जो मैं और ज़्यादा दूर जाता जाऊँगा इस तरफ को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ही कम हो जाएगी। और इसकी डायरेक्शन जो है आप देखें तो वो हमेशा आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। -57 इसलिए कि देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको ले आऊँगा तो ये तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा, ये देखें 0 डिग्री तकरीबन। तो ये आपका एक्स एक्सिस है। अब इससे नीचे जाएंगे तो माइनस की तरफ एंगल जाएगा, और अगर इससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल जाएगा। तो अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, ये देखें, ये 10, ये 23 डिग्री, ये 45 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी,